Namaskar, friends, and welcome to this press briefing. As you know, the CCA and Cabinet met today, in physical format after a long time, to brief you on the important decisions taken by the Cabinet. We have with us, Honorable Minister for Information and Broadcasting, and Youth Affairs and Sports, Sri Anurag Thakurji. My warm welcome to you, sir. After the briefing, we will take some decisions. We will take some questions related to the Cabinet decisions only. Over to Honorable Minister, sir. नमस्कार आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनसे आप सबको अवगत करवाने के लिए मैं आया हूँ जैसा आप जानते हैं कि गारमेंट्स एप्रल्स मेडअप्स ये टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र भारत में है जिससे रोज़गार का सृजन भी होता है और लाखों करोड़ रुपये का निर्यात भी यहाँ से होता है तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में अप्रैल गारमेंट्स और मेडअप्स के लिए आर ओस सी टी एल स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया गया है इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में उनको लाभ मिलेगा निर्यात करने में निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा रोज़गार का सृजन भी होगा और जो भारत की कंपनियां हैं उनको कंपीट करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों से इससे बल मिल पाएगा क्योंकि इसके माध्यम से जो ये जो स्टेट और सेंटर के टैक्सेस एंड लेवीस हैं इन पर रिबेट जो मिलता है इसको कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया है 31 मार्च 2024 तक तो इससे एक स्थिरता भी रहेगी लेवल प्लेइंग फील्ड भी भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलेगी ये योजना एक जनवरी 2021 से के प्रभाव से जारी रहेगी इसके अलावा जो दूसरा निर्णय किया गया है वो ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ है देश के किसान पशुपालक डेयरी क्षेत्र से जुड़ा है और ये डिपार्टमेंट ऑफ़ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने योजना यहाँ पर हम चला रहे हैं जिसमें कुल मिलाकर 9,800 करोड़ रुपया जहाँ केंद्र सरकार खर्च करेगी वह करेगी वहीं पशुपालन क्षेत्र में अनुमानित निवेश जो है वो लगभग चौवन करोड़ रुपये के लगभग आएगा इससे क्या फ़ायदा होगा इस पर मैं कुछ प्रकाश आपके माध्यम से डालना चाहूँगा तीन प्रमुख योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं पशुधन विकास योजना जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और यानी कि हमारे जो बाकी पशु हैं चाहे देसी गाय हो भैंस हो भेड़ हो बकरी हो सूअर की प्रजातियां हो इनको आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा जिससे हमारे पशुपालकों को लाभ भी मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी आउटपुट और आउटआउटकम के आधार पर इनको इंसेंटिव दिए जाएंगे जिससे कि योजनाओं का व्यय जो है वो उस दिशा में हो कि पशुपालकों की आय का आय भी बढ़ सके और कुल मिलाकर जो पशुओं के लिए जो दूसरा इसमें एक पहलू है डिज़ीज़ कंट्रोल प्रोग्राम क्योंकि आपने याद होगा एक बार हमने पहले घोषणा की थी वो थी फुट एंड माउथ डिसीज़ के लिए जहाँ पर उनकी पूरी तरह से वैक्सीनेशन टीकाकरण हमने करना था इसमें इसी तरह से डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज़ कंट्रोल है इसको नेशनल एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के साथ जोड़कर इनकी गतिविधियों के साथ चलाने का निर्णय लिया है कि सुदूर गांव में और दुर्गम क्षेत्रों में हम पीपी के माध्यम से मोबाइल वेटनरी स्कीम्स यानी कि पहले तो इंसान के लिए ही एम्बुलेंस जाती थी अब हमारे जो पशुपालक हैं उनके जानवरों की देख के लिए भी उपचार के लिए भी एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया जाएगा एक बड़ा कदम है उस दिशा में और इसके अलावा जो तीसरा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसमें भी एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक और कदम है जिसमें डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को रखा गया है इसके माध्यम से वर्किंग कैपिटल पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी जाएगी जिससे और पशु रखने का उनको मौका मिलेगा और इसके अलावा क्वालिटी ब्रीड्स मिले पशुओं का टीकाकरण हो लेकिन जो पशु रखते भी हैं उनको भी उसके लिए चिलिंग प्लांट्स हो बल्क मिल्क कूलर हो और प्रोसेसिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी बहुत मददगार साबित होगी और क्वालिटी टेस्टिंग करने के लिए भी इसमें इक्विपमेंट दिए जाएंगे तो इसको देखा जाए तो ओवरऑल एक पैकेज जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए है क्वालिटी ब्रीडिंग से लेकर और उन पशुओं की उपचार से लेकर उनके टीकाकरण से लेकर उनके मिल्क इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डेयरिंग के लिए बल्क मिल्क प्रोसेसिंग हो टेस्टिंग हो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी ये बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं जिसमें कुल मिलाकर चौवन करोड़ रुपया लगभग अनुमानित निवेश इसमें होगा और इसमें केंद्र सरकार की ओर से व्यय जो होगा वो लगभग 9,800 करोड़ रुपये किया जाएगा तीसरा विषय जिस पर मैं आने वाला हूँ क्योंकि कोविड के टाइम पर आपने योगा का भी काढ़े का भी आयुष मंत्रालय की भी एक भूमिका देखी देश विदेश में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत की जाने वाले जो और कदम हैं उनको और मजबूती कैसे मिले इसके लिए आज निर्णय किया गया है कि नेशनल आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष दो हज़ार बीस से लेकर 2025 तक 26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है नेशनल आयुष मिशन को 2021 हज़ार से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है इसके अंतर्गत कुल खर्च 4607 करोड़ रुपया पाँच वर्षों में किया जाएगा इस योजना के क्रियान्वयन से आयुष प्रणाली की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा नागरिकों को आयुष प्रणाली के माध्यम से प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स और होलिस्टिक हेल्थ केयर का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा लाइफ रिलेटेड हो उसमें भी लोग उसकी मदद ले सकें उसका भी बल मिलेगा और इससे डिसीज़ बर्डन यानी कि बीमारी का जो भार है वो भी पूरे हेल्थ सिस्टम पर भी कम होगा लोग स्वस्थ भी रहेंगे और हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो हमारी पद्धति है जो कई हज़ार वर्षों से लगातार देश में चल रही है उसको देश और विदेश में भी और लोकप्रिय किया जाए इनसे सामान्य स्वास्थ्य में भी सुधार होगा बीमारियों की रोकथाम भी होगी और नुकसान पर खर्च भी कम होगा इसके अंतर्गत बारह हज़ार आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे देश भर में किए जाएंगे और छः आयुष कॉलेज खोले जाएंगे 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनेंगे 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा 36 नए 50 बेड के और 30 बेड के और 10 बेड के आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा और 101 जो हाल में चल रहे एग्जिस्टिंग 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधारभूत ढांचे को भी अपग्रेड करने का निर्णय किया गया है तरतालीस आयुष अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही साथ एक आयुष डिस्पेंसरीज़ को अपग्रेडेशन का निर्णय भी किया गया है इससे आयुष के माध्यम से होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस की संकल्पना के अनुरूप जो मैंने पहले भी कहा आपसे कि प्रिवेंटिव प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर को प्रोत्साहन देने के लिए इन सब कॉम्पोनेंट्स को इसके साथ जोड़ा गया है इसके कई और भी बिंदु हैं डिटेल प्रेस नोट में आपके पास वो आप भी जाएंगे एक और निर्णय जो आपको जानकारी ही है कि पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा आयुष मंत्रालय का नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन है एन अब उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है उसका निर्णय किया गया है अब ये नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च होगा यानी कि इस पर आयुर्वेद को भी जोड़ा गया है रिसर्च को भी बल मिलेगा और इससे हमारी जो ट्रांस हिमालयन रीजन है उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर तक के राज्यों तक जो मेडिसिनल वैल्यू है उस पर रिसर्च करके उसको आयुर्वेद को और बाकी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी को ही यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी बाकी सबको भी उससे बल मिले रिसर्च पर भी बल मिलेगा और कुल मिलाकर आयुष मंत्रालय को जो ये इंस्टीट्यूट है उसका केवल नाम ही नहीं बदला गया उसके काम में भी और वृद्धि की गई है जैसा आप सबको विदित है देश से चाहे एक्सपोर्ट हो इम्पोर्ट हो शिपिंग की बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है और इसी दृष्टि से जो मर्चेंट शिप्स हैं उसके लिए शिपिंग मंत्रालय का एक काफ़ी लंबे समय से प्रस्ताव चल रहा था कि इस पर निर्णय करना चाहिए जो पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज़ का हमारा मंत्रालय है उसने मर्चेंट शिप्स के भारत में रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी सपोर्ट दिए जाने की मांग की थी आज उस पर भी निर्णय किया गया है क्योंकि तीन लगभग तीस सालों में ये देखा गया कि कार्गो में तो वृद्धि हुई है लगभग साढ़े ग्यारह फीसदी वार्षिक दर से अगर देखा जाए वृद्धि हुई है लेकिन कुल मिलाकर उसमें जो भारतीय जहाज़ों की हिस्सेदारी थी वो कम होती चली गई तो आत्मनिर्भर भारत जहाँ एक और टेक्सटाइल सेगमेंट में आर ओ एस सी टी एल को जो निर्णय किया गया कि 31 मार्च 2024 तक कंटिन्यू किया जाएगा उसमें आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल देगा वहीं पर शिपिंग इंडस्ट्री के लिए आत्मनिर्भर भारत में भारतीय शिप्स की रजिस्ट्रेशन भी ज़्यादा हो इंडियन फ्लैग्स के साथ ज़्यादा हो सब्सिडी सपोर्ट भी दी जाए लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे हमारे जो सेंट्रल पी हैं जब वो बाहर से इम्पोर्ट भी करते हैं तब भी उन्होंने एक दिया होता था उसमें ऑप्शन की राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल जो ट्रांसपोर्ट के टेंडर्स थे उसमें इंडियन शिपिंग कंपनीज़ को राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल का इस तरह से दिया जाता था ताकि वो एल 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 वन पे जो आता था उसको मैच कर सकें लेकिन भारतीय कंपनीज उनको मैच नहीं कर पाती थी ये जो मैं अभी आपको निर्णय का थोड़ा विस्तार में बताने वाला हूँ इससे आपको जानकारी मिलेगी इससे किस तरह से भारतीय कंपनीज कम्पीट भी कर पाएंगी भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री को बल भी मिलेगा इंडियन फ्लैग उन शिप्स पर लगा होगा उनको और ताकत मिलेगी रजिस्ट्रेशन में भी सब्सिडी सपोर्ट के साथ साथ उनको और भी इंसेंटिव दिए जाएंगे केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि मंत्रालयों व सी के द्वारा इंपोर्ट किए जा रहे कार्गो के लिए भारतीय जहाज़ों को राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल के साथ साथ सब्सिडी भी दी जाए जिन जहाज़ों में भारत के जिन जहाज़ों में भारत में फ्लैगिंग एक फरवरी 2021 के बाद हुई है यदि वो 10 से 20 वर्ष पुराने हैं तो उन्हें L1 की दर्ज के 10% परसेंट तक की सब्सिडी दी जाएगी यदि वे 10 वर्ष से कम पुराने हैं तो उन्हें एल्बन की दर के पंद्रह परसेंट तक सब्सिडी दी जा सकेगी और सब्सिडी की जो दर है वो प्रतिवर्ष एक परसेंट कम होती जाएगी जब तक कि ये ये जो जो दोनों श्रेणियां मैंने आपको बताई उसमें घटकर क्रमश पाँच परसेंट और दस परसेंट ना हो जाए इसके अलावा जो शिप्स पहले ही इंडियन फ्लैग्ड हैं जिनके ऊपर भारत का झंडा रजिस्ट्रेशन उस पर लगी है उनको 1 फरवरी 2021 को 10 वर्ष से कम पुराने जिन्हें 10 उन्हें 10 प्रतिशत और यदि 10 वर्ष से 20 वर्ष साल पुराने हैं तो उन्हें एल वन के पाँच परसेंट की दर राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी यदि किसी टेंडर में भारतीय कंपनी की दर एल वन होती है तो ऐसे मामले में सब्सिडी नहीं दी जाएगी तथा 20 वर्ष से अधिक पुराने जहाज भी सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो सब्सिडी के अलावा भी भारत में रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन देने के लिए मर्चेंटशिप्स को बहत्तर घंटे के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने तथा 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर अपने क्रू को भारतीय क्रू से बदलने के अनु, अनु अनुमति देने के कार्य किया जा रहा है यह भी एक उसमें इस योजना पर कुल मिलाकर अगले पांच वर्षों में 1624 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री को बल देने के लिए अगले पांच वर्षों में 1624 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा इसमें भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री को बल भी मिलेगा और हमारे भारतीय कंपनीज़ को जहाँ एक और बल मिलेगा भारत के लोगों को भी उसमें नौकरी करने के लिए युवाओं को बहुत सारे अवसर मिलेंगे इस इस निर्णय को इस दृष्टि से लिया गया है इस योजना से जो रोजगार के अवसर मिलेंगे इसके अलावा हमारा जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ है उनको भी बल मिलेगा उनका भी विकास होगा भारत की एनर्जी और फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में भी इसकी सहायता मिलेगी और जो विदेशी मुद्रा थी उसकी बचत भी इसके माध्यम से हो पाएगी जैसा आप सब जानते हैं जुडिशरी का लोकतंत्र में और भारत में तो बहुत बड़ा एक रोल है सभी देशों में होता है तो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कोर्ट्स के लिए है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के निर्माण का ये योजना चलती है इसको भी 2021-22 से लेकर अब 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है इस योजना पर कुल मिलाकर 9000 करोड़ रुपया खर्च होगा और इस योजना में लगभग पाँच करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से वहन किए जाएंगे जो विभाग से जानकारी है उसके हिसाब से लगभग अतिरिक्त जो अतिरिक्त 3800 सौ कोर्ट हॉल्स चार हज़ार रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाए जाने की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का इसमें काम किया जाएगा इसमें से 2423 कोर्ट कोर्ट हॉल्स और एक रेजिडेंशियल यूनिट्स वर्तमान में निर्माणाधीन हैं और इस स्कीम के स्कोप में विस्तार करने का भी प्रावधान होगा इसमें टॉयलेट्स का निर्माण और आधारभूत ढांचे से जुड़ी हुई जो भी आवश्यकताएं होंगी इससे वो बल मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा एक और निर्णय जो केंद्र के कर्मचारियों के लिए पेंशनर्स के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेंस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17 प्रतिशत थी उसमें 11 प्रतिशत की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28 प्रतिशत इसको किया गया है यानी कि डीए की दर 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 प्रतिशत हो जाएगी इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा और इस प्रस्ताव ये जो हमने निर्णय किया है इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं पेंशनर्स हैं उसको लाभ भी मिलेगा और इसके पीछे कारण कोविड की परिस्थितियां थीं जो पहली जनवरी पिछले साल से इसको जब बंद किया गया था सो मैं एक बार फिर आपके लिए इसको दोबारा बोल देता हूँ क्योंकि बहुत बड़े वर्ग को ये प्रभावित करती है लगभग अड़तालीस लाख चौंतीस हज़ार केंद्रीय कर्मचारियों को और पैंसठ लाख छब्बीस हज़ार पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा इन व्यू ऑफ द अनप्रजिडेंटेड सिचुएशन विच अरोज ड्यू टू द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक थ्री एडिशनल इंस्टॉलमेंट्स of dearness allowance to the central government employees and dearness relief to the pensioners which were due from 1st jan 2020 1st july 2020 and 1st january 2020 which has been frozen now the central government has decided to increase the dearness allowance the government has decided to increase the dearness allowance to central government employees and dearness relief to the pensioners with effect from 1st July 2021 to 28% representing an increase of 11% over the existing rate of 17% of the basic pay or pension. The increase reflects additional installments arising on 1st Jan mm -hmm. 2020, 1st July 2020 and 1st January 2021. द रेट ऑफ़ Dearness Allowance, अलाउंस Relief for रिलीफ फॉर द पीरियड 2020 to ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी सिक्स ट्वेंटी इसका लगभग चौंतीस हजार चार सौ करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष इसका प्रभाव पड़ता है चार सौ एक करोड़ चौंतीस हजार चार सौ एक करोड़ पे ये डिपार्टमेंट कंसर्न आपको सारी डिटेल्स भेज भी देंगे डिटेल प्रेस नोट में आपके पास सारी जानकारी आ भी जाएगी ऑलीव थैंक यू वेरी मच सर वी विल नाउ टेक सम क्वेश्चंस। Okay, 16. Sir, here. So, I have two questions, sir. So, what will be the total outgo for the current fiscal on account of a DA and DR revision? And the second thing is, what will happen to the DA due from July 1? As I said earlier, all the details will be made available in the detailed press note. But the issue is, The 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 DA which was the, uh, the, which was डी at विच वॉज दिच वॉज एट सेवेंटीन परसेंट इट विल स्टैंड एट ट्वेंटी इंक्रीज on that, which is ये फर्स्ट जुलाई दो हजार इक्कीस से ही लागू होगा वो तो 18 महीने वाला तो निर्णय पहले हो ही चुका है इस बार से 28 प्रतिशत से लागू होगा ओके फर्स्ट जुलाई 2021 से लागू होगा एनी अदर क्वेश्चन चलिए आगे एनी अदर क्वेश्चन थैंक यू थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स वी क्लोज द प्रेस कॉन्फ्रेंस नाउ थैंक यू